नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। साउथ में लेडी सुपरस्टार नाम से पहचाने जाने वाली नयनतारा ने इस साल फिल्म जवान से बॉलीवुड डेब्यू किया। हालांकि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद इस डेब्यू से खुश नहीं है। ये उनके लिए एक बड़ी फिल्म थी। हालांकि फिल्म की कामयाबी का क्रेडिट अकेले शाहरुख खान को दिया जा रहा है। कुछ लोग इसे नयनतारा शाहरुख की नहीं बल्कि शाहरुख और दीपिका की फिल्म कह रहे हैं। खबरें हैं कि इस बात से नाराज नयनतारा भी हिंदी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। रिपोर्ट में नाम न लिए बिना साउथ के बड़े फिल्म मेकर के हवाले से लिखा गया है। तमिल सिनेमा में हीरो और फैंस नयनतारा की पूजा करते हैं। तमिलनाडु में उसे लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। नयनतारा के फैन जवान में उनका छोटा सा रोल देखकर बेहद उदास हैं। नयनतारा भी इससे काफ़ी नाराज़ है। वो भी यही सोच रही है कि आखिर उसका फिल्म में रोल क्या था। उसे जवान के लिए जो रोल दिया गया था ये वो बिल्कुल नहीं था। फिल्म जवान शाहरुख और नयनतारा की फिल्म होने वाली थी, लेकिन ये शाहरुख और दीपिका की फिल्म कही जा रही है। आगे फिल्म मेकर के मुताबिक लिखा गया, नयनतारा अब सिर्फ तमिल सिनेमा में ही काम करना चाहती है। साउथ सिनेमा का कोई फिल्म मेकर साउथ फिल्मों में नयनतारा के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, एटली भी नहीं। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।